No. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग का स्टार्ट कर चुके हैं और फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं राजभवन घूमने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और एंजॉय लीजिए इस वीडियो को। और आप लोग को पूरा व्यू दिखाएंगे राजभवन का कैसा है। तो ये आपका रांची जो कि झारखंड का राजभवन है, तो वहीं चलेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और एंजॉय लीजिए। तो फिलहाल चलते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं राजभवन के गेट जो कि आगे है, तो वहीं पर हम लोग चलेंगे। तो आप लोग को भी दिखाएंगे, देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाइन लगा हुआ है। तो अभी हम लोग गेट नंबर 2 के आगे है, वहाँ चलेंगे और वहाँ से देखेंगे। उसके बाद पता कर पाएंगे कि कहाँ पर लाइन लगना है, उसके बाद फिर पीछे आना पड़ेगा। देख सकते हैं, तो गाइस देख सकते हैं पूरा खतरनाक वाला लाइन लगा हुआ है राजभवन देखने के लिए। तो फिलहाल हम भी चलते हैं आगे और आगे से दिखाते हैं कहाँ तक लाइन है। तो और आपका गेट नंबर 2 जो कि आगे है, वहीं हम लोग चलेंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी दूर तक लाइन लगा हुआ है। फाइनली अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं किस प्रकार का व्यू है अंदर का व्यू। फिलहाल चलते हैं आगे की ओर और आगे का व्यू दिखाते हैं किस प्रकार का व्यू है। दोस्त लोग भी आ रहे हैं, तो फिलहाल उन लोग अंदर नहीं आए हैं, उन लोग का भी वेट करते हैं, उसके बाद घूमते हैं। देख सकते हैं मेरे साथ क्योंकि माही भी आई है, तो उसको भी घुमाने के लिए ले आए। फिलहाल घूमते देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे की ओर। चलते हैं उस साइड की ओर जो कि वहाँ पर लगा हुआ, वो लगा हुआ नहीं है उस साइड जो कि देख सकते हैं। तो वहाँ का व्यू दिखाते हैं आगे से, चलते हैं। यानी कि राजभवन आना और चारों तरफ फूल का बगीचा देखना, यानी कि अनेक प्रकार का फूल है जो कि हमको नाम तो पता नहीं है। फिलहाल आप लोग को भी दिखा दिए फूल का है। और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर पानी का फुहारा है, तो यहाँ का व्यू दिखाते हैं आगे से, चलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, आज संडे जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो फिलहाल चलते हैं उस साइड और दिखाते हैं आप लोग को। तो पूरा दिखा दिए किस प्रकार के यहाँ पर पानी का फुहारा था। तो फिलहाल अभी हम लोग आगे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं। उस साइड का व्यू तो दिखा दिए, तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं इस साइड की ओर जो कि देख सकते हैं गुलाब का फूल। तो आप लोग को भी दिखाते हैं, देख सकते हैं इस साइड की ओर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर शायद का है, ये तो हमको पता नहीं। तो फिलहाल चलते हैं और देखते हैं का है। तो गाइस ये तो पता नहीं है का है यहाँ पर, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं का है। तो गाइस यहाँ तो कुछ नहीं है ज़्यादातर, और फिलहाल का हुआ। तो गाइस फिलहाल चलते हैं इस वाले के अंदर जो कि देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ चलेंगे, का है ये भी पता नहीं। फिलहाल अंदर की और दिखाते हैं अंदर का भी किस का है यहाँ पर।
यहाँ पर तो ज़्यादातर कुछ है नहीं देख सकते, क्योंकि आपका घोंसला टाइप का बनाया हुआ है, इसमें पौधा है और देख सकते हैं चारों तरफ है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर की ओर, तो बाहर का व्यू दिखाते हैं, फिलहाल चलते हैं। तो नीचे से तो ऊपर उठ चुके हैं इस साइड की ओर, और आप लोग को इस साइड की ओर दिखाते हैं जहाँ पर मछली था। अगले साल आए थे तो वहाँ पर मछली था, तो इस बार देखते हैं मछली है कि नहीं। तो फिलहाल दिखाते हैं आप लोग को भी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तो पोपट हो चुका है, जो कि मछली देखने के लिए आए थे तो मछली तो यहाँ नहीं मिला। और देख सकते हैं राजभवन का व्यू, तो ये आपका बैक साइड है, तो आगे साइड की ओर भी दिखाएंगे। तो फिलहाल छोटा छोटा मिला, तो देख सकते हैं बोलते हैं छोटा छोटा मछली का बच्चा मिला। तो फिलहाल हम इसको सिर्फ एक ऑरेंज कलर का मछली दिखाई दिया, तो फिलहाल हम भी चलते हैं देख सकते हैं। फाइनली दोस्त सब मिल चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, और फिलहाल हम लोग भी मिल चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग चलेंगे उस साइड की ओर और देखेंगे। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं जो कि सिंदूर का सिंदूर है, ओरिजिनल सिंदूर, जो कि आपका पेड़ में जो कि होता है वो वाला सिंदूर है, सिंदूर का पेड़ ही है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं आगे और काका है, देख सकते हैं सिंदूर का बीज है। तो फिलहाल हम लोग ले लिए चार पांच को, देख सकते हैं हाथ किस तरह से रंग चुका है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे की ओर और आगे का भी दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सिंदूर का पेड़ है, देख सकते हैं किस प्रकार का है। तो फिलहाल हम लोग इसका तो हम लोग तोड़ भी लिए हैं, तो फिलहाल यहाँ से आगे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आगे किस प्रकार का भी है। तो फिलहाल चलते हैं आगे की ओर। फाइनली हम लोग उस साइड से इस साइड की ओर आ चुके हैं और देख सकते हैं झारखंड का मेन राजभवन यही है, राजभवन, और राजभवन का व्यू तो दिखा दिए। तो फिलहाल चलते हैं उस साइड की ओर आगे की ओर और आगे का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पर, तो आपका सब फूल है और आपका काफ़ी अच्छा भी व्यू आ रहा है। और देख सकते हैं जो कि राजभवन का मुख्य भवन के जस्ट बगल में ही है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं। फिलहाल चलते हैं। तो गाइस उस साइड से तो आगे आ चुके हैं, देख सकते हैं किस प्रकार का भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर ऑक्टोपस है फिलहाल। तो गाइस देख सकते हैं चारों तरफ जो कि गुलाब का फूल ही लगा हुआ है, और उधर भी आप लोग को दिखा दिए काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है। अगर आप लोग नहीं आए हुए तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा जगह है। हम लोग इस साइड की ओर आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो कि चरखा है। तो फिलहाल तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो कि लकड़ी का पुल बना हुआ है। तो फिलहाल देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से, काफ़ी अच्छा व्यू भी आ रहा है पीछे की ओर, देख सकते हैं चारों तरफ। और ये आपका काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी आता है तो इस पुल से पार ही होके जाता है। देख सकते हैं ये पुल भी जाम ही है, देखते काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर।
जो कि पानी का फुहारा है। बाहर इधर चलते तो गाइज वहाँ से तो निकल चुके हैं, जो कि वहाँ देख चुके होंगे काफ़ी अच्छा है और अच्छा भी लगा देखने में। तो फिलहाल चलते आगे की ओर। ये है आपका लौंग का पेड़, देख सकते हैं। हम लोग उस साइड से तो इस साइड आ चुके हैं, चारों तरफ उस साइड को आप उस साइड का व्यू तो पूरा दिखा दिए। तो फिलहाल हम लोग इस साइड आ चुके हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ भी चलेंगे अंदर की ओर और अंदर का भी दिखाते हैं किस प्रकार का है, उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर अंदर में किस प्रकार का यहाँ पर हल्ला हो रहा है चारों तरफ, देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर, देख सकते हो अल्लाह हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो रहा है, चारों तरफ शोर ही शोर हो रहा है और आपको यहाँ का व्यू तो दिखा दिए। फिलहाल चलते हैं आगे की ओर और आगे का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस ये आपका बिरसा मंडप है, देख सकते हैं कितना बड़ा है और अंदर का व्यू तो दिखा दिए किस प्रकार का व्यू था। और ये आपका शहीद बिरसा मुंडा है, अब अंदर में शोर हो रहा है, फिलहाल आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो फिलहाल हम लोग इस साइड से चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग पूरा व्यू तो दिखा दिए राजभवन का, किस प्रकार का व्यू है, यानी कि आगरा का राजभवन सिर्फ फूलों से ही काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा सजा हुआ है और चारों तरफ फूल ही फूल है। तो फिलहाल पूरा तो वीडियो में पूरा दिखा दिए चारों तरफ राजभवन का भी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।